लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। रात को कहा था ना मैंने कि सवेरे देर हो जाएगी उठने में। अरे अरे क्या कर रहे हो? अभी अभी नहा के फ्रेश होके आई हूँ, छोड़ो ना। फिर तो और भी फ्रेश मजा आएगा। तू यहाँ कैसे? अरे मैं तो यहाँ शॉपिंग करने आई थी। और अरे आशा, क्या हुआ आशा? आशा ये क्या कर रही हो? उस चोर का पीछा करके उसे पकड़ने जा रही हूँ। क्या तुम चोर का पीछा करोगी, वो भी कार में? अनु तुमने कभी मेरी ड्राइविंग नहीं देखी ना, आज देख लो कैसे हवा से बातें करती है गाड़ी। नहीं नहीं, नहीं मैं रिश्ते ले सकता हूँ, मैं सोनू को ले लेता हूँ, उसके बाद तुम्हारे जो जी माए तुम करो। पागल हो गए तू? हो डोंट वरी अनु, बी ब्रेव। कितने डरते हो? शट अप, गाड़ी रोको। तुम थोड़ी देर चुप रहोगे प्लीज? मैं कैसे चुप रहूं? आशा आशा तुम हम दोनों को मरवाओगी, गाड़ी रोको। अनु प्लीज शट अप। सुनो अरे क्या कर रही हो तुम? अबे आगे देखो पकड़ो। बेटा लगता है आज तेरे मेरा ऊपर का टिकट कटने वाला है। हे भगवान बचाना। अरे भाड़ में गई तुम्हारी ड्राइविंग, पता नहीं किसकी गाड़ी है और क्या हाल बना दिया इस गाड़ी का। अब इसके मालिक को क्या जवाब देंगे? ये क्या है देखो? No problem at all. आप इसकी फिक्र मत कीजिए, ये कार भी हमारी है और वो हार भी हमारा था। कार के नुकसान की हमें परवाह नहीं। आप दोनों मियां बीवी ने जिस बहादुरी से उन चोरों का पीछा किया उसकी हमें दाद देनी होगी। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। साहब आपको एसपी साहब बुला रहे हैं। मुझे बुला रहे हैं? जी हाँ। पकड़ना इसको, प्यारा बच्चा है ना। वेल डन यंग मैन, वेल डन। क्या तुमने पहले कभी किसी कार रेस में हिस्सा लिया जो इतने बड़े गैंग का पीछा करके उसे पकड़वा दिया? सर सर वो कार मैंने नहीं, उस लड़की ने चलाई थी। आई सी। हॉलर। हाँ साहब। कार की डैशबोर्ड में एक फोटो पड़ा है, उसे ले आओ। सर मिस्टर, सुंदर नगर थाने में किसी ने इस लड़की के गुम हो जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। तुम्हारा इस लड़की से क्या संबंध है? नहीं सर, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। वो अमनीजिया की मरीज है, वो अपनी यादाश्त खो चुकी है सर। सर सर वो खामखा मेरे गले पड़ी हुई है सर, आप किसी भी तरह उसे यहाँ से ले जाइए सर, ले जाइए। ओके सर। गुस्ताखी माफ सर, एक मिनट के लिए आप यहाँ आएंगे? इसलिए एक जरूरी बात करनी है आपसे प्लीज। देखते नहीं मैं यहाँ भी जरूरी काम से जा रहा हूँ। सर उसी के बारे में मुझे आपको कुछ बताना है प्लीज। थैंक गॉड। क्या सर आप जिसे पूछताछ कर रहे हैं ना, दरअसल वो ही अमनीजिया का मरीज है। क्या? लोकल पार्टी है सर, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, प्रिंटिंग प्रेस है उसका। तो फिर वो लड़की कौन है? अरे वो लड़की नहीं है, उसकी बीवी है। उसकी गोद में बच्चा नहीं देखा आपने? वो वो तो ठीक है,
लेकिन इस लड़की के लापता होने की रिपोर्ट पास के सुंदरनगर पुलिस स्टेशन में किसी ने लिखवाई है, वो किसने लिखवाई होगी? अरे और किसी ने नहीं सर, इसी ने लिखवाई होगी। ये शहर शहर जाता है, हर पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी पत्नी की फोटो देता है। खुद तो एमनीजिया का मरीज है लेकिन अपनी पत्नी को एमनीजिया का मरीज बताता है। मुझे भी एक फोटो दी है, देखिए सीएम के पास भी एक होगी, पीएम के पास भी एक होगी सर। क्या सोच रहे हैं आप सर, ये मेरे एरिया का केस है, मैं इसे सॉल्व करूंगा, डोंट वरी, आप जाइए। एक मिनट सर। सर आप थोड़ा उससे दूर ही रहिएगा, दौरा पड़ता है तब वो कुत्ते की तरह काटने को दौड़ता है। बी केयरफुल सर, बेस्ट ऑफ लक। डर वो लड़की सर, मगर पास बता, मैं कहता हूँ वो लड़की गोली मार दूँगा। जल्दी बैठो सर, जल्दी हट हट, गोली मार दो। अरे एसपी साहब, एसपी साहब कहाँ जा रहे हैं, मेरी बात सुनिए एसपी साहब, एसपी डुम डुम। अरे खड़े खड़े वहां क्या देख रहा है, चल चल मेरी मदद कर, खड़े रहे यहाँ। गाड़ी यहाँ पे क्यों रोक दी, आपने तो कहा था मुन्नी का जन्मदिन है, मंदिर चलेंगे। मंदिर ही तो आए हैं मुन्नी बेटा। जी पापा। प्रेस में अंकल होंगे, जाओ उनके पांव छूकर उनका आशीर्वाद ले लो। ओके पापा। गुड मॉर्निंग अंकल। अरे मुन्नी तुम, मुझे आशीर्वाद दीजिए अंकल। जी रहो, दूधो नाओ, उतो भलो। ये लो अंकल, आज मेरा जन्मदिन है। तुम्हारा जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे बेटा। सॉरी मैं तो भूल ही गई थी। ये भी कोई भूलने वाली बात है सावित्री, वो सीन तो तस्वीर बनकर मेरे दिल के आईने में कैद हो गया है। ऐसे में स्विमिंग करना बहुत खतरनाक होगा, इट्स वेरी डेंजरस। नो नो, आई एम सॉरी, एज अ लाइफ सेवियर आई कैनॉट अलाउ दिस, कम बैक आफ्टर 2 hours। आई सेड गो बैक, कम बैक आफ्टर 2 hours। हमारा सोनू बेटा इस टोपी बहुत हैंडसम लग रहा है। अरे शर्म नहीं आती, ये हमारा घर थोड़ी ना है। अरे घर क्या और बाहर क्या, मैं तो अपनी बीवी को खाना प्यार से कहीं भी खिला सकता हूँ। संभल कर जाना मुन्नी। रोटी खाएगा है? नहीं तो महीने के बाद खाएगा जब तेरे दांत आ जाएंगे। आशा 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 आशा, क्या हुआ आशा? अरे कोई है, कोई है, बचाओ मेरी बेटी, डूब रही है, कोई बचाओ। अरे बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ, क्या करो? शामू, शंकर, आशा, शामू, वहाँ एक बच्ची समुद्र में डूब रही है, मैं उसे बचाता हूँ, तुम आशा को संभालो। तेरा शुक्र है मुन्नी, मुन्नी, मुन्नी। आप घबराइए मत, पेट में पानी चला गया, पेट थपथपाइए, सब ठीक हो जाएगा। मुन्नी क्या हुआ डॉक्टर, कैसी है मेरी आशा? सिवियर हार्ट अटैक, तुमने उसे लाने में देर कर दी, 10 मिनट पहले ले आते तो शायद। आई एम सॉरी। नहीं
साहब, समंदर में डूबने वालों की जान बचाना इनका काम है। थोड़ी देर पहले मुन्नी समंदर में नहाने गई थी, वहां तूफानी लहरों में फंस गई। उसी वक्त इनकी बीवी को दिल का दौरा पड़ा, बेचारी दर्द से तड़प रही थी, लेकिन इन्होंने उसकी परवाह नहीं की और अपने फर्ज के खातिर मुन्नी को बचाने के लिए समंदर में कूद पड़े। मुन्नी की जान तो बच गई, लेकिन सावित्री, मैं हिसाब में हमेशा कमजोर रहा हूं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि अगर माइनस और माइनस को जोड़ दें तो वो प्लस बन जाता है। इधर आनंद अपनी बीवी को खो बैठा है और उधर आशा अपनी यादाश्त, दोनों बेसहारा है। मैंने ये सोचकर दोनों को एक साथ मिलाया कि शायद दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाएं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। फिर केले आज कौन आया था और तुमने उसे क्या उठाकर दे दिया? मैं कोई दूध पीते बच्ची नहीं हूँ जो किसी एरे गेरे को कुछ भी उठा कर दे दूं। आज भी मेरे डैडी ही आए हैं। डैडी? यानी वही 420 जो उस दिन मेरा चांदी का बर्तन उठा कर ले गया था? Don't talk too much. अरे मेरी चांदी की केटली, ये तुम्हें कहाँ मिली? तुमने तो उस दिन ठीक से ढूंढी नहीं, ये वही झाड़ियों में पड़ी हुई थी। डैडी की नजर इस पे पड़ी तो उठा कर ले आए। डैडी कहाँ है वो? कहाँ है तुम्हारे डैडी? फॉलो मी। डैडी, 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 अरे ये क्या हुआ? कमाल है, अभी तो अंदर आए थे, कहाँ गुम हो गए? गुम हो गए? अरे ये तो देखो उसके साथ और क्या क्या गुम हो गया। क्या? अरे इतने बड़े बड़े मेरे पीतल के लैंप थे, वो कहाँ गए? रोमियो नाम है मेरा, चोरी है काम मेरा, मैं बर्तन चुराऊ लैंप चुराऊ। हमको कुछ ही नहीं मालूम, हमसे कुछ मत पूछो बाबा। क्यों ना पूछूं? तू ही तो हमेशा उनके साथ रहता है। मैं शॉपिंग के लिए पैसे मांगती हूँ तो कहते हैं पैसे नहीं है, और राशन के लिए पैसे मांगती हूँ तो कहते हैं उधार ले लो, और तो और सोनू के लिए कुछ खरीदने के लिए पैसे मांगती हूँ तो कहते हैं अगले महीने देख लेंगे। क्या यार, आखिर तुम दोनों सारा दिन प्रेस में बैठकर क्या छक मारते हो? भाभी ड्यूटी वही जाती है जहाँ गुड़ होता है। हमारे प्रेस के बगल में एक ब्यूटी प्रेस है, उसकी मालकिन ब्यूटी आंटी है ना। क्यों ब्यूटी आंटी, क्या देख रही हो? इसे कहते हैं नले पे दला। गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग, ये कैसा चमत्कार है, ब्यूटी प्रेस में मक्खियां उड़ रही हैं और हमारे यहाँ लोग भिन बना रहे हैं। लगता है लक्ष्मी जी ने आंखें खोल दी है। हाँ पूरी तरह। आपको कितने का छपा है? 1000। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। ऐसा करें हम इसको 2000 कर दें? जैसे आपकी मर्जी। सो स्वीट, लेकिन बगल वाले प्रेस से हमारा रेट कुछ ज्यादा है, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चीज अच्छी हो तो कीमत नहीं देखी जाती। यू आर राइट, हमारी क्वालिटी में और उनकी क्वालिटी में भी बहुत फर्क है। एडवांस प्लीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ए अनु तुम आ गए, आ जाओ मैं ऑर्डर लेती हूँ, तुम प्रिंटिंग स्टार्ट करो। नेक्स्ट। दो आदमी अंदर जाइए। कोई अंदर नहीं जाएगा, कोई अंदर नहीं जाएगा। क्यों भाई, हम तो लाइन में जा रहे हैं। हमें आपका ऑर्डर नहीं चाहिए, चलिए यहाँ से। ऑर्डर आपको नहीं, हम लड़की को दे रहे हैं। अरे बोलो नहीं चाहिए ऑर्डर, चल यहाँ से, चल। अरे हमको छोड़ो बॉस, चल हट। अनु ये क्या किया तुमने, सारे कस्टमर्स को भगा दिया। तुम्हें किसने कहा? मैडम तुम्हें किसने कहा यहाँ का तमाशा लगाने के लिए? तमाशा? कैसा तमाशा? ऐसी ऐसी बेहूदा ड्रेस पहनकर यहाँ तो तुम्हें शर्म नहीं आई? क्यों क्यों, क्या खराबी है इसमें? हाँ मैंने कोई टू पीस स्विमिंग कॉस्ट्यूम थोड़ी पहन रखा है। चलो चलो कहाँ जाओ यहाँ से। नो, तुम इस प्रेस से एक पैसे की आमदनी नहीं कर सकते, क्योंकि वो ब्यूटी प्रेस वाली अपने लटके झटके दिखाकर लोगों को पटा लेती है। देखा नहीं, आज मैंने भी जरा से झटके दिए तो कितनी लंबी लाइन खड़ी हो गई। आज से ये प्रेस मैं संभालूंगी,
तुम चुपचाप घर जाती हो या नहीं? नो मिस्टर आनंद। डुम डुम नेक्स्ट। एक तो खुले आम जिसे भी नुमाइश कर रही हो, ऊपर से मुझसे जबान लड़ा रही हो। चलो घर जाओ, घर जाओ। You have started slapping me also now. Wait, come home. I'll also slap you. Shut up!